और अब बड़ी अहम खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये अंधविश्वास का रोग, जान गंवाते लोग, आमतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इस तरह के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते चार दिनों में चार वारदातों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अंधविश्वास की वारदातें छत्तीसगढ़ के एजुकेशनल हब भिलाई से लेकर सक्ती और नक्सल इलाके दंतेवाड़ा और कांकेर में हुई है। अब आपके सामने हम चार तस्वीरें रखेंगे, एक एक करके आ रही हैं ये, बल्कि चारों एक साथ आ गई, तो और अच्छा है। पहली तस्वीर भिलाई की है, जहां एक पोते ने दादी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने दादी के खून को शिवलिंग पर चढ़ाया। वहीं आरोपी ने त्रिशूल से खुद पर भी हमला कर लिया। पुलिस ने आरोपी पोते को हिरासत में ले लिया है। नंदनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। अब आ जाइए दूसरी खबर पर, यह सक्ती जिले के तांदुल डी गांव की है, जहां परिजनों ने ही अंधविश्वास के चक्कर में दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम के दौरान दोनों के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। मामले में मृतकों की मां, दो बहन और एक भाई की हत्या का एक आरोपी निकला। युवकों को पहले स्लो पॉइजन दिया गया, यानी धीमा जहर, उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। अब आ जाते हैं तीसरी तस्वीर पर, दंतेवाड़ा की है, जहां जादू टोने के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। ये हिटपाल गांव की है। आरोपी मृतक पर जादू टोने का शक करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार में बीते दिनों एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद शक के आधार पर आरोपियों ने मृतक की धारदार हथियार से वार कर दी थी और हत्या कर दी थी। अब आते हैं चौथी तस्वीर, कांकेर, यहां के कोरर थाना क्षेत्र के बासकुंड गांव की है, जहां आरोपियों ने गांव के बैगा पर जादू टोना के शक में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और लाश को खेत में फेंक दिया। हत्याकांड में पुलिस ने तीन सगे भाइयों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन खबरों की विस्तार से जानकारी लेते हैं, और हमने नाम ये दिया है कि ये अंधविश्वास का रोग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे आपको बचना होगा। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये इस तरह की खबरें बार बार सामने क्यों आ रही है। और हमारे साथ कोमल धनेश्वर है, जो भिलाई की खबर का आपको अपडेट देंगी। नेत्राम बघेल है, ये सक्ती की खबर का आपको अपडेट देंगे। और वेद प्रकाश संगम है, ये दंतेवाड़ा की खबर के बारे में आपको बताएंगे। अब चार खबरें तो मैंने बता दी, लेकिन भिलाई की खबर तो आपको पता होगी। एक पोते ने दादी की हत्या कर दी, पोते ने दादी की हत्या की है और हत्या करने के बाद शिवलिंग पर खून चढ़ा दिया है। अब कौन से भगवान होंगे जो ये आपको सिखाएंगे? कौन आपको बताता है? नहीं, कौन बताता है? ये बड़ी हैरानी की बात है। हत्या के बाद अपने पुश्तैनी घर की दीवार पर खून से लिखा भी, खुद के गले में मारा त्रिशूल और वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद उसको रायपुर रेफर कर दिया गया था। कोमल, बड़ी हैरान कर देने वाली ये खबर है, और यही वजह है कि आज हमारी टीम इस निष्कर्ष पर आई कि इसे क्या नाम दिया जाए। तो फिर हमने अंधविश्वास का रोग इसे कहा है। जो जरा आपके भिलाई में हुआ है उसे आप हमारे दर्शकों तक उस बात को रखिए। जी बिल्कुल राहुल जी, ये अंधविश्वास का रोग ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कल ननकट्टी गांव में जो घटना हुई है उसे देखकर, इसे सुनकर हर कोई इस बात को कह रहा है कि कहीं ना कहीं आरोपी मानसिक रोगी था। जिस तरीके से उसने हत्या की, और आप देखिए कितनी निर्मम हत्या है ये। पहले दादी के उसने पैर कुर्सी से बांधे, उसके बाद मंदिर से त्रिशूल लेकर के आया और करीब त्रिशूल से उसके गले पे इतने वार किए और तड़पते हुए अपनी दादी को देखा, और उसके बाद जब दादी मर गई तब उसके खून को लेकर के वो शिवलिंग के पास पहुंचता है, शिवलिंग का उसको खून चढ़ाता है, और शिवलिंग के नीचे आप फर्श पर देख सकते हैं कि वहां पर उसने पूरे खून का लेप किया है, और उस लेप के बीच में यह लिखा है कि शिव यही है। क्या शिव ऐसे कहते हैं कि आप इस तरीके से हत्या कर खून चढ़ाए? इतना ही नहीं, उस आरोपी ने त्रिशूल लेकर के खुद के गले में भी वार किया और उसी अवस्था में वो सामने के घर में पहुंचा। जो बताया जाता है कि जो ग्रामीण बता रहे, मोहल्ले वाले बता रहे कि वो कभी पुश्तैनी उनका हुआ करता था, उसके चाचा जिनका नाम झाम था उनका हुआ करता था, तो उसके घर बाउंड्री क्रॉस करके पहुंचता, घर के दीवारों में भी लिखता है कि झाम घर है। और आप देखिए ये बिल्कुल मानसिक रोगी ही कहेंगे। उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल था तो वहीं बेहोश हो गया।
बताया, पुलिस पहुंचती है तत्काल, क्योंकि चीख पुकार जैसी मस्ती है वहां पर, लोग देखते हैं, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस पहुंची तो घायल आरोपी वहीं पड़ा हुआ था, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं था, उसके शब्द नहीं निकले, पुलिस पूछताछ करती रही हॉस्पिटल ले जाते तक। पहले उसे मेडिकल कॉलेज, सीसीएम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जो कचांदूर में है, जो नजदीक पड़ता है ननकट्टी से, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे रायपुर एम्स में दाखिल किया गया और पुलिस अब तक जांच में जुटी है। मोहल्ले के लोग भी वहां कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यह जरूर बताया गया है कि जो आरोपी गुलशन मन गोस्वामी था, पिछले एक महीने से अपनी दादी के पास आ रहा था, पिछले कुछ दिनों पहले वो बजरंगबली के मंदिर में पूजा का काम किया करता था जहां उसके दादा करते थे, लेकिन उस मंदिर समिति के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया क्योंकि उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी थी कि तंत्र मंत्र अंधविश्वास को सामने ला रही थी, तो वहां के लोगों ने उसे वहां से हटा दिया और अब ये जाकर के घर के नजदीक के शिवलिंग में अक्सर घंटों पूजा किया करता था। और जिसके बाद कल ये घटना हुई, इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है कि इस तरीके के किस तरीके की ये पूजा है कि जो अपनी ही दादी की हत्या कर ली उसने। बिल्कुल सही आप कोमल कह रही हैं कि ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। अब सक्ती ज़िले में तांदुलडी में दो सगे भाइयों को परिवार ने ही अंधविश्वास के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। परिवार कई दिनों से तंत्र साधना में जुटा था। इसी खबर के बारे में हम नेत्राम बघेल से पूरी जानकारी लेते हैं। नेत्राम बघेल, हुआ क्या था ये आप ज़रा बताइए, ये लोग करना क्या चाह रहे थे? सक्ती जिले के बड़ा थाना क्षेत्र के तांदलडू में तंत्र मंत्र साधना का एक अजीबो गरीबो मामला सामने आया था। जो वहाँ दो सभी भाइयों की मौत हो गई थी, जो रहस्य बनकर रह गया था कि आखिर दोनों मौत दोस्त मौत कैसे हुई होगी। आखिर एसपी अंकिता शर्मा ने तत्परता दिखाई और इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है या उस खुलासे में चौंकाने वाला मामले सामने आया है। दोनों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि परिवार के ही माँ, दो बहन और एक भाई ने मिलकर कर दिया था। दोनों की मौत जो है अंधविश्वास के चक्कर में किया गया था। ये दोनों जो है अंधविश्वास का विरोध करते थे, विरोध को दोनों परिवार के सदस्य हैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों की हत्या की योजना बनाई और सबसे पहले जहर दिया गया था और जहर को जहर दिया गया था, उसके बाद से एक धुएं दे करके सुलझाया गया था, फिर लास्ट में जो है किसी मोटे कपड़े से गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। और अपने आप को आरोपियों ने बचाने के लिए ढोंग रचते हुए पागलपन का हरकत करने लगे थे। जैसे ही मामला का सामने पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी और जांच में सबसे पहले जो है उलझी हुई नजर आ रही थी, मगर जब जैसे ही सहायक अधीन पुलिस को मिली उसमें साइजन का उपयोग करने का मामला सामने आया, फिर पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करके मामले की जांच में अटैच कर दी गई और आरोपियों को लगातार हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी और आरोपियों द्वारा लगातार पहले तो शुरू में बयान बदल दिए जा रहे थे। आखिर पुलिस ने इस पूरे मामले में सफलता पाई है और खुलासा कर दी है, जिसमें चारों आरोपियों के खिलाफ में हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके चारों को हिरासत में लेकर के जी। धन्यवाद नेत्राम बघेल, लेकिन आप जुड़े रहिएगा। आप दंतेवाड़ा की खबर पर वेद प्रकाश संगम से अपडेट लेंगे कि यहां पर जादू टोने के शक में एक युवक की हत्या हुई है। आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला करके हत्या की है। मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसी खबर के बारे में हम वेद प्रकाश से जानते हैं। वेद प्रकाश, यहां भी अंधविश्वास का रोग देखने को मिला है? जी हाँ बिल्कुल, अंधविश्वास के चलते ही दो युवकों ने एक युवक के जो अपने ही गांव के एक ही गांव के रहने वाले थे, ये आरोपी और मृतक, यहाँ पर एक हत्या का मामला सामने आया है। बारसूर थाना क्षेत्र के हिड़पाल गांव का ये मामला है। जैसा कि पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि दो आरोपियों में से एक आरोपी के घर में उसके परिजनों की लगातार मौतें हो रही थी, दो मौतें हुई थी, जिसके बाद उन लोगों ने एक देवी का सहारा लिया। देखिए अंधविश्वास की पराकाष्ठा यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि उन लोगों ने मौत के कारणों का पता करने के लिए ना कि इलाज या किसी डॉक्टर के पास जाना उचित समझा, बल्कि एक देवी के पास वो गए गांव में ही, और उस देवी ने ये बताया कि गांव के ही किसी युवक द्वारा जादू टोना कराया जा रहा है और उसके चलते ही उसके घर में मौतें हो रही है। तो दो आरोपी थे इसमें, चूंकि एक आरोपी के घर में मौतें दो मौतें हुई थी, तो दूसरे आरोपी
का इन्वॉल्वमेंट इसलिए इसमें सामने आया क्योंकि देवी ने ही उसे ये भी बताया था कि जो तुम्हारे परिवार में भी जादू टोने कराया जा रहा है किसी एक ही युवक द्वारा, जिनके जादू टोने से मृत्यु भी हो रही है और तुम्हारे घर में भी आने वाले समय में मृत्यु हो रही है। तो इस पर से दोनों युवक जो आरोपी थे वो अपने घर में अनहोनी की आशंका से एकराए हुए और ये पता लगाने की कोशिश की है कि यहाँ जादू टोने का काम कौन जानता है और कौन देवधामी करा रहा है। तो इस पर जो मृतक है जयराम उसके बारे में इन्हें पता लगा। तो दोनों ने सुनियोजित तरीके से एक प्लान बनाया कि किसी भी तरीके से इसकी हत्या की जाए ताकि जो हमारे परिवार में मौतें हो रही है या आने वाले दिनों में और मौतें हो सकती है उस पर रोक लगाया जाए। तो दोनों ने योजना बनाई और एक रात को, घटना वाली रात को, उस जो मृतक है उसको सोते हुए से जगाया और पास के ही गांव में एक युवक का पता पूछा कि हम फलाना के घर जाना चाहते हैं और उसका घर देखे नहीं है। तो उस मृतक ने ये बताया कि आप मेरे साथ चलिए, मैं उसका घर दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पर ये लोग पहुंचते हैं तीनों आरोपी और दोनों आरोपी और मृतक, दोनों आरोपी एक राय होकर उसे पीछे कुल्हाड़ी, सर के पीछे कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं जबकि वो सामने सामने चल रहा होता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती है कि उस पर किसी तरीके का अटैक हो सकता है जो जानलेवा हो सकता है। तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया सर के पीछे और तत्काल ही उसकी मौत हो गई। देखिए उसके बाद आरोपियों ने ये किया कि उसके लाश को छुपाने के लिए एक नाले का सहारा लिया, नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया और इस पूरे घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे डाला। चूंकि अगली सुबह से जब वो दिखने नहीं लगा मृतक जयराम, तो उसके परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई कि कल दो गांव के ही दो युवक आए थे और किसी का पता पूछकर वो अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की और दोनों जो आरोपी थे उनके बारे में सुराग मिला और उसके बाद जब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जादू टोने के चलते जो जयराम है उसके द्वारा जादू टोना कराया जा रहा था, उसकी वजह से ही परिवार में मौतें हो रही थी और आने वाले समय में और भी मौतें हो सकती थी, इस वजह से उन लोगों ने, यानी इस मर्डर के पीछे जो वजह थी वो शक थी, जो आपकी बात वेद प्रकाश मुझे समझ में आ रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस खबर के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन आईबीसी 24 एक आपसे अपील करता है, सोचने समझने की शक्ति को अंधविश्वास कमजोर करता है, वास्तविकता से दूर ले जाता है अंधविश्वास। विज्ञान और तर्क और ज्ञान की शक्ति को अपनाइए, छोटी छोटी घटनाओं को भाग्य टोने और टोटके से मत जोड़िए, आप लोग नहीं जोड़िए प्लीज, मेहनत और भरोसा रखिए किसी अदृश्य शक्ति पर नहीं। समस्याओं का समाधान तर्कशीलता और ज्ञान से मिलता है, विवेक और विज्ञान पर भरोसा कीजिए, ना कि अंधविश्वास के चंगुल में फंसते जाइए।